बिलासपुर के स्वरघाट में चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त की धज्जियां उड़ाते हुए एक दुकान में सेंधमारी करके 70,000 रुपए की कीमत के मोबाइलों पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर चोरों की तलाश आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार स्वरघाट के लोअर बाजार में मोबाइल विक्रेता शशि कुमार रोजाना की तरह दुकान बंद करके अपने घर जामली चला गया। सुबह जब 7 लगते दुकानदारों ने शशि की दुकान का आधा शटर खुला हुआ देखा तो उसने फोन पर सारी जानकारी शशि कुमार को दी। दुकान पर पहुंचते ही शशि कुमार ने जब शटर खुला तो वह यह देखकर दंग रह गया कि दुकान में रखे करीब 12 कीमती 4G सेट जिनकी कीमत 70,000 रुपए के आसपास थी गायब थे। शशि कुमार ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस थाना स्वरघाट को दी। मार्केट में CCTV कैमरे लगाए जाए और आज मेरी दुकान में चोरी हुई है, इसको तो चलो कोई बात नहीं, कल किसी और के दुकान में चोरी होगी तो चोरों का पता लग सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा दुकान का मुआयना करने के साथ ही दुकान से फिंगरप्रिंट ट्रेस किए गए। पुलिस ने जब इधर उधर छानबीन की तो दुकान से करीब 1 किलोमीटर दूर राम शहर रोड के किनारे झाड़ियों में मोबाइलों के खाली डिब्बे पड़े मिले। चोर आनन फानन में एक सेट मोबाइल के डिब्बे में ही छोड़कर रफू चक्कर हो चुके थे तथा पास ही में मोबाइल एक्सेसरी भी पड़ी थी। फिलहाल पुलिस ने शशि की शिकायत पर चोरों की तलाश आरम्भ कर दी है। उनकी दुकान से ताला तोड़कर 11 मोबाइल चोरी किए गए जिसमें हमने सचिव को घटनास्थल पर भेजा था और उसके बाद जब हमने छानबीन की तो रामशहर सड़क के किनारे हमें मोबाइल्स के डिब्बे मिले हैं और इसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और छानबीन की जा रही है। CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल।